चालू है ना? हाँ चालू है। बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको पीछे में बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल उधर है, और यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स हैं हमारा, तो हम इन लोग से जानेंगे कि नया कैंपस में आकर के कैसा महसूस हो रहा है। तो आप लोग बताइए कि कैसा, क्या क्या, मतलब कि अच्छा लग रहा है यहाँ पे? चालू है ना? हाँ चालू है। बहुत अच्छा लग रहा है। और मनीष भाई और ये विकास भाई, सभी हम लोग पहली बार आए हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है भाई। क्या ज्यादा टीचर तो नहीं है, पहले तो जो हम लोग का कॉलेज चलता था वो पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहा है, अब हम लोग का कैंपस, जो कि अब हम लोग फाइनल ईयर में पहुंच गए हैं और हम अब हम लोग सर्टिफिकेट ही लेंगे एक महीना बाद। यही तो दुख की बात है कि एक ही महीना बचा है जी, फिर भी एक महीना जितना है अच्छा लगेगा। आप हमारे साथ है, हमारे ओम भाई सभी मित्र हैं, अच्छा लगता है कि सब लोग आए, एंजॉय करें, फोटो वोटो खिंचाएं। तब हॉस्टल का जो एंट्री भी स्टार्ट हो गया है हॉस्टल, तो क्या अब हम लोग का हॉस्टल लेना चाहिए क्या? अब देखिए, अब विचार क्यों सर है ना, क्योंकि एक महीना बच रहा है मात्र। वही ना, यही तो दुख की बात है कि बस एक ही महीना बच रहा है। क्या विचार भाई, पहले से फिर से एडमिशन ले लो, क्या दिक्कत है? फिर से एडमिशन, फिर से एडमिशन लो, फिर से एंजॉय करो। लेकिन जो मतलब इंजीनियरिंग का जो इंजॉय होता है, एक तरह से हम लोग को नहीं मिला है। ऐसा आपको लगता है कि कॉलेज में रहकर, हॉस्टल में रहकर और एक साथ पढ़ने का मजा ही कुछ और होता है? हॉस्टल का खास करके मजा ही कुछ और होता है। तो है कि एंटरटेनमेंट आता है, लोग रात भर जागते हैं, जगराता करते हैं, पढ़ाई करने में भी मजा आता है, लेकिन उस हम नहीं ले पाए। आपको कैसा लग रहा है जी? एकदम मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है। क्या मतलब कैंपस आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे, यहाँ के आसपास का वातावरण? पहली बार आए, घूमे तो नहीं है, घूमते हैं फिर बताते हैं। तो कॉलेज में अंदर तो कुछ है व्यवस्था नहीं, पानी तक का भी व्यवस्था नहीं हुआ है? होगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। तो आज हम लोग का सिर्फ यहाँ पे फॉर्म। सौरभ जी आइए बताइए कुछ। मैं तो पहली बार अभी आया हूँ, बट घूमा नहीं हूँ पूरा, जो भी घूमा हूँ अच्छा लगा है, व्यवस्था अच्छा है, पर यही अफसोस है कि एक मंथ हम लोग को मिलेगा पढ़ने के लिए, पढ़ने के एग्जाम देने के लिए मिलेगा केवल। अपना कैंपस का मजा ही कुछ और है। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए। और सेकेंडरी बात ये रहा कि जैसे कॉलेज आज फर्स्ट डे दिख रहा है, और उम्मीद यही करते हैं कि आज से 5 साल बाद भी ऐसा ही, मतलब इससे और बेहतर हो, और यहाँ के स्टूडेंट लोग सपोर्ट करें, जूनियर्स जो भी हैं यहाँ के रहने वाले, हम लोग तो खैर निकल रहे हैं, और जो भी स्टूडेंट जो यहाँ पर रहेगा वो यहाँ पर, मतलब यहाँ का साफ़ सफाई, मेंटेनेंस, जो भी रूल्स रेगुलेशंस है सबका फॉलो करे और अच्छा से कॉलेज का संचालन हो, हम लोग यही चाहते हैं। चलिए, और ख़ास बात यहाँ पर एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे कि बगल में आम का पेड़ है और आम का फल लगा हुआ है, यहाँ पर लोग आम भी खा रहे थे। मेरा नाम मनीष कुमार है। कौन सा ईयर में है आप? फोर्थ ईयर में, 18 से 22 बच गया है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच? नहीं, मेरा सिविल ब्रांच है। सिविल है जी। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अभी तो ठीक ही लग रहा है, पहला दिन आए हैं कॉलेज भ्रमण के लिए। हम लोग को तो मतलब सेशन खत्म ही हो गया, अब बस 2 दिन एग्जाम देने के लिए आना, इंटरनल एग्जाम बस। बस बस वही, और कोई उम्मीद नहीं इस कॉलेज से, एक डिग्री लेंगे बस। कैसा लग रहा है कि मतलब कि दूसरा कैंपस में हम लोग का फाइनल भी समझिए कि हो गया है? बहुत बुरा लगता है कि मतलब हम लोग लास्ट निकलने वाले हैं, तो कॉलेज शिफ्ट हो गया। चल, उम्मीद करते थे थोड़ा पहले शिफ्ट होता था, हम लोग भी कुछ दिन क्लास करते। चलिए, ठीक है, धन्यवाद।